आप पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा। देखो हम भी यूट्यूब के माध्यम से ही इस न्यूज को देखने का काम किया। हम राजनीति में है, महात्मा गांधी नहीं है। जरूरत रहती है तो किसी वर्कर को कहोगे गाड़ी में तेल भरवा लेंगे, कुछ करवा लेंगे, कुछ करवा लेने की बात होती तो मैं बिहार में करोड़पति तो जरूर आज होता। तेली के चलते मसाजी के गए फटे सलाह, हमको हम 2 लाख रुपया लेने जाएंगे, 30 लाख 35 लाख ले बने की तो 2 लाख आती, इतना हम पैसा लेने जाएंगे। साहबुद्दीन साहब ने अपने फंड से और कहीं कहीं से रुपया कलेक्शन करके आज जो आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ है उन्हीं का बनाया हुआ सब बिल्डिंग है, साहबुद्दीन का बनवाया हुआ, एकदम साहबुद्दीन का बनवाया हुआ है। भले आज कोई पीटे की हम बनवा देने हम बनवा रहे, तुम कैसे बनवाए? साहबुद्दीन ने कुछ पैसा फिक्स भी किया था कॉलेज के नाम पर, अच्छा याद नहीं पड़ता है, कई करोड़ रुपया था उसने फिक्स भी कर दिया, जिसको बेमान भी खा गया। बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी इस समय हम लोग के साथ मौजूद हैं, और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पे आवाज उठाने के लिए विक्रम कुंवर जी जाने जाते हैं। सिवान में कोई भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो, चाहे वह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का हो या सिवान नगर परिषद का हो, सिवान नगर परिषद द्वारा जमीन खरीदने का मामला हो, हर मामलों पे बड़ी बेबाकी से आवाज उठाते हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी। लेकिन अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस पूर्व मंत्री के ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लोग लगा रहे हैं। अभी ताजा एक मामला चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि रोड बनाने के नाम पर ठेकेदार को गुड फेथ में लेके और 2 लाख रुपए की उगाही की गई है, जिसमें विक्रम कुंवर जी भी शामिल है। ये बात कही जा रही है, ऑडियो जो वायरल हो रहा है और जो बातें निकल के आ रही है, इस पे आज बातचीत करेंगे विक्रम कुंवर जी से कि आखिर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और ऐसा कौन सा परिस्थिति बन गया कि आज इन पे ही भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा। देखो हम भी यूट्यूब के माध्यम से ही इस न्यूज को देखने का काम किया जी। कि प्रिंस एक प्रिंस बद्या है जिसकी पत्नी अभी वार्ड काउंसिलर है, इसके पहले जो चुनाव हुआ था वो प्रिंस उपाध्याय धनंजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे, धनंजय सिंह के पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव वो हार गए थे। ये हालत था कि लगता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो सिवान के शहर के कुछ लोगों के कहने पर 2017 में जो पार्षद का चुनाव था उसकी बात कर रहे हैं हम, आईबी में भी रहते थे, प्रिंस उपाध्याय के भी रहते थे, वहां जाकर बैठना उठना वर्करों को अब वही हम बुलाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से प्रिंस उपाध्याय का जान बच गया। उसके बाद हम नहीं जानते थे कि ये सब करता है, हम राजनीति में है, महात्मा गांधी नहीं है जी। हमको जरूरत रहती है तो किसी वर्कर को कहोगे गाड़ी में तेल भरवा लेंगे, कुछ करवा लेंगे, कुछ करवा लेंगे, किसी को धर के करवा लेते हैं, लेकिन रुपया लेने की बात होती तो मैं बिहार में करोड़पति तो जरूर आज होता। आज एक बार जो कोई एमएलए हो जाता है तो पटना दिल्ली सिवान अपना घर द्वार बना करके टंच हो जाता है। मेरा हालत तो फटीचर का है, हम जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हैं, समाजवादी और अटल आडवाणी के नेतृत्व में हम काम किए हुए हैं, हम पैसे के पीछे नहीं, और हम जिस बात को ठान लेते हैं हमको तो जितने हम घोटाला उठाए हैं हमको मतलब 30-30 लाख 35-35 लाख रुपया ऑफर हुआ, तेली के चलते मसाजी के गए फटे सलाह, हमको हम 2 लाख रुपया लेने जाएंगे, 30 लाख 35 लाख ले बने की तो 2 लाख आती, इतना हम पैसा लेने जाएंगे। ये बात मालूम इधर मालूम हुआ हमको, ये 22 में हम दरखास्त लिखे थे, अजय तिवारी नाम से लिखवाया था, काम का जांच भी हुआ, काम रोक भी दिया गया। उसके बाद कुछ मतभेद प्रिंस उपाध्याय ने मेरे साथ चीटिंग करना शुरू किया,
हमको जहाँ तहाँ से खबर मिला तो प्रिंस उपाध्याय को गाली देकर के हमने अपने पास से खदेड़ दिया। इसी बीच हमको यूट्यूब में देखे कि कोई देवेश सिंह ठेकेदार है, उनसे मेरे नाम पर 2 लाख रुपया उस काम को सुलटाने के लिए ले लिया, जबकि हमको 5-7 दिन पहले मालूम हुआ। हम अच्छा, जो 2 लाख वाला मामला था उसमें पहले कंप्लेन लिख के दिया गया, नहीं बनाया जाए। हाँ, आज भी कंप्लेन है, उस कंप्लेन पर जांच भी हुआ, उसमें बता देते तुमको जांच भी हुआ, जांच में योजना रोक भी दी गई, क्योंकि सब पानी ऊंचा होता तो सब पानी स्टेडियम में जा जाता, पानी निकलने का कोई जगह नहीं था, तो रुक गया। तो उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो हम भी अपना मटिया गए कि भाई जांच रोक हो गया है, कार्रवाई हो रहा है तो अपना विवाह कार्रवाई करेगा। इसी भी जब से हम प्रिंस को छोड़ खदेड़ दिए, उसके आना जाना बैठना सब बंद कर दिए, तब इधर मालूम हुआ कि यूट्यूब पर हम देखे कि ऐसा ऐसा बात है, कोई किसी से वो कह रहा है कि 2 लाख दे दीजिए, उसमें चाचा को भी होगा, उसमें हम लोग को भी कुछ बटा जाएगा। अरे हम जो उखियारी में उख नहीं देगा, कलवरा में रस पियाबेगा, हमको जहाँ कई घोटालों में हमको 33-35 लाख ऑफर हुआ, हम लेवे नहीं किया, तो हम इंसिडेंट जाएंगे। अच्छा विक्रम जी, ये बताइए, मान लीजिए कंप्लेन लिखा जा रहा है और फिर उसी कंप्लेन को उठाने के 2 लाख रुपए लिया जा रहा है, मामला तो यही है, जिसने भी पैसा लिया, तो सिवान की जनता तो बेवकूफ बन रही है इस मामले में। नहीं देखो, सिवान की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप ही भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रहे हैं और फिर आप ही पैसा खा के चुप हो जा रहे हैं। सिवान की जनता पर जैसा लोग है वैसा सिवान के लोगों को कष्ट हो रहा है। जितना पैसा सरकार लेती है, यदि 50% भी जनता पर खर्च हो तो सिवान में कोई बुराई नहीं रहेगा, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, देखेगा कहेगा सब, लेकिन कोई संघर्ष करो, धरना दो, प्रदर्शन करो, तो कोई सिवान का नहीं आता है। जबकि कष्ट में कौन है, सिवान के लोग है। हमको सिवान से कोई इंटरेस्ट है क्या? हम तो रघुनाथपुर से लड़ते हैं, हम तो धर्मदत्त से लड़ रहे हैं, इधर तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों के कष्ट दे करके हमने कई एक मुद्दे को उठाने का काम किया। और जहाँ तक प्रिंस उपाध्याय ने ये काम यदि मेरे नाम पर किया है, तो मैं ड्राफ्ट तैयार कराया हूँ, कल या परसों उन पर FIR करूँगा। प्रिंस उपाध्याय पर FIR करेंगे आप? यस, नहीं तो प्रमाणित करें कि हाँ हमको पैसा दिए हैं, हमको पैसा कमाना रहता। अच्छा, तो विक्रम जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर FIR करेंगे, वो प्रमाणित करे कि पैसा हम दिए, हमको दिए हैं, हम तो जन्मे नहीं, फिर आपका नाम आके पैसा दिए नहीं, तो फिर आपका नाम उसमें आया कहाँ से? आपका नाम क्यों घसीटा उन्होंने? क्योंकि हमने पत्र लिखा था और हमारे ही लिखने पर काम रुक गया था, जाँच हो गई थी, तो उसको चालू कराने के लिए इन्होंने पैसे की मांग। अच्छा, चूंकि पैर भी ये था कि चाचा मान जाएंगे पैसा से, ये उनको लगता था। क्या इसका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण भी है इसमें? सिर्फ पैसा के अपील, चूंकि इसमें चुनाव भी आने वाला है 24-25 का, जानते हो हमारे यहाँ से कौन लड़ता है, किसने मेरे पीछ में छुरा भोंक करके हमारा टिकट कटवाया, हम 10 वर्ष के बाद चुनाव जीतते हैं, 25 में मेरा 10 वर्ष पूरा होने वाला है, जनता भी चाह रही है कि हम लड़े, वापसी होगी, वापसी होगी। तो चुनाव है, इसलिए यहाँ 2 भाई है, बाबू मनोज सिंह, धनंजय सिंह, एक पार्टी अभी मनोज सिंह के साथ है प्रिंस उपाध्याय, और ठेकेदार है वो धनंजय के साथ। आप कह रहे हैं कि प्रिंस उपाध्याय मनोज सिंह के साथ है, और आपने ये भी कहा कि 17 में आप प्रिंस उपाध्याय साथ गए थे, उसमें तो गोली चला था, जो मामला आप कह रहे थे, तो उसमें तो लड़ाई मनोज सिंह से ही लड़ रहे थे। हाँ, लड़ रहे थे, लेकिन तो फिर वो कैसे बीच में इस चुनाव में दोनों ने कंप्रोमाइज कर लिया? अच्छा, दोनों आपस में कंप्रोमाइज कर लिया। धनंजय सिंह की पत्नी लड़ी नहीं, अच्छा वो प्रिंस उपाध्याय को मदद कर दिए, तो ये लोग एक हो गए। तो राजनीति प्रतिद्वंदी लोग को लगता है विक्रम को आज डिस्टर्ब कर रहे हैं,
कि आगे राजनीति अच्छा यानी अभी विक्रम कोजी का छवि खराब कर दी जाए ताकि आगे उसका फायदा उठाया जा सके। हालांकि उन लोग के खराब करने से हमारी छवि खराब होने वाली नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ के लोग 40 वर्षों से हम राजनीति में है, हमको लोग देखता है, हमारा छवि खराब नहीं होने वाला है। अब पैसा तो रंडी भी कमाती है, हम भी चाहते तो कमाते, लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया। चलिए ठीक है, ये साहबुद्दीन हमारा छोटा भाई था, तुमको एक घटना याद दिलाते हैं। एक आरजेडी की रैली थी, हमने कुछ अफसरों से पैसा मांगा कि भाई रैली है, हमको पैसा दीजिए। साहबुद्दीन ने हमको फोन किया, भैया कहाँ है, हम कह के हम गाँव में हैं, तो आइए साथ है नाश्ता किया जाएगा। तो हम पहले नाकुर नुकुर किए, लेकिन करके नहीं आएगा तो हम ही नाश्ता नहीं करेंगे। तो हम आए, हम लोग का नाश्ता आया ऊपर, दोनों भाई हम लोग नाश्ता किए, अपना राजनीति गप किए। चलते समय साहब जी ने कहा कि भैया फलना फलना से पैसा मांगे थे क्या रैली के लिए, हम कि हाँ मांग लेने अपने ना पैसा दिया से, तो हमने कहाँ से रैली का पैसा देते हैं। साहब ने अति खोल दिया, एक अलमीरा खोल दिया और कहा कि जितना पैसा लेना हो इसमें से ले लीजिए, किसी से मांगिएगा नहीं, समझे। तो बिना साहबुद्दीन साहब को बताया आपने पैसा मांगा था ये? हाँ, क्योंकि रैली थी, तेल पिया उनकी कौन था, हम लोग पटिया का उसी में मांगे थे, तो साहबुद्दीन ने हमको ऐसा कहा। तो वो आदमी ने एक सीख हमको दिया जी, हम आप पैसा नहीं लिए, कतनों कहते रह गए ले लीजिए भैया ले लीजिए, बिना नहीं लिए, हम व्यवस्था वर्कर के माध्यम से कर दीजिए, रैली में लोग ले भी गए। लेकिन इस मामले में ये भी समझ में आ रहा है कि साहबुद्दीन साहब भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ थे, एकदम खिलाफ थे, तो नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार। साहबुद्दीन का काम और आज के एमएलए एमपी का काम, चाहे हमारे समय का काम, देख लीजिए 20 वर्ष 25 वर्ष हो गया अभी वो काम जीवित है, और नायका सब एमएलए एमपी करवा होता है सन 2-4 वर्ष में छितराया लगा था। साहबुद्दीन थे तो 80% भ्रष्टाचार सीमांत जिला में कम नहीं था। साहबुद्दीन के मरने के बाद सीमांत जिला में हम ही दोषी हो, कोई दोषी हो, भ्रष्टाचार बड़ा, अब डर किसी का नहीं है। अच्छा विक्रम जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का मामला लगातार आप उठाते रहते हैं। पिछले दिनों कुछ लोग ये कह रहे थे कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है उसमें साहबुद्दीन का योगदान नहीं है और साहबुद्दीन ने नहीं बनवाया उसको। देखो कोई त्रिपाठी जी थे जी, आप साहबुद्दीन साहब के काफी करीबी रहे हैं, आप उनको अपना छोटा भाई मानते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? साहबुद्दीन साहब, ये बात सही है कि ये मंजूरी कोई पाठक जी थे वो करवाए थे जी, लेकिन उस समय जीर्ण छीर्ण हालत में था जी, तो पाठक जी साहबुद्दीन साहब के पास गए, वो जो त्रिपाठी जी थे जो पाठक जी या त्रिपाठी जी थे गए, उन्होंने साहबुद्दीन साहब को प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी को बनाया। साहबुद्दीन साहब ने अपने फंड से और कहीं कहीं से रुपया कलेक्शन करके आज जो आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ है उन्हीं का बनाया हुआ सब बिल्डिंग है, साहबुद्दीन का बनवाया हुआ, एकदम साहबुद्दीन का बनवाया हुआ है। भले आज कोई पीटे कि हम बनवा दे नहीं, हम बनवा रहे, तुम कैसे बनवाए? साहबुद्दीन ने कुछ पैसा फिक्स भी किया था कॉलेज के नाम पर, अच्छा याद नहीं पड़ता है, कई करोड़ रुपया था उसने फिक्स भी कर दिया, जिसको बेमान भी खा गया कि आगे कॉलेज के फायदा होगा। ये बात सही है कि पाठक जी बनवाए थे, नींव डाले थे, लेकिन ये बिल्डिंग बनवाने का काम साहबुद्दीन ने किया, व्यवस्था करने का काम साहबुद्दीन ने किया। एक्चुअली तो बिल्डिंग वाली बात हो गई, आप लगातार उसको लेके आवाज उठाते रहते हैं, कहते हैं कभी एम्बुलेंस घोटाला हुआ, कभी कुछ घोटाला हुआ, कभी कुछ घोटाला हुआ, कभी प्रजापति त्रिपाठी के पद पे बने रहने को लेकर सवाल उठता है, इस पे भी आपने कई बार आवाज उठाया है, इसका जांच हुआ है। विक्रम जी, जांच भी आपने कहा कि जांच भी हुआ है, लेकिन मामला हर बार ठंडा क्यों जाता है? देखो इसलिए मामला ठंडा, पहले वाला गवर्नर था वो बड़का चोर था,
पैसा लगा के दबा दिया था। अभी के गवर्नर अच्छे हैं, हमने समय के लिए उनको कहा है, अब भी व्यस्त व्यस्त होंगे, अभी समय नहीं दे रहे हैं, जिस दिन देंगे उस दिन गवर्नर से मिल करके रिपोर्ट हम उनके सामने रख देंगे। और चुरा करके वो रिपोर्ट नहीं, वो 300 सदस्य जांच कमेटी आई थी, उसका विधिवत वीडियोग्राफी हुआ है। बिल्कुल, हम लोग थे 20 घंटा तक जांच चला, जांच के बाद जांच कमेटी के जो अधिकारी थे उन्होंने माना कि इसमें करप्शन है, करप्शन है, ये 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 सब हुआ है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो भी हम कहा था। लगे हुए हम बैठे हुए नहीं है, लेकिन इस बात के लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं विक्रम को जी, 1 साल हो गया पहले तो, या पिछले अक्टूबर या सितंबर की बात है, वो जो पुरन का गवर्नर था पैसा ले लिया था, ये हमको मालूम हो गया था कि लखनऊ में जाकर इसका बेटा पैसा लिया है, उसने दबवा दिया, ये आए थे इनके 3-4 महीना तो हुआ है, नया गवर्नर आए हैं तो क्या फिर से जांच किया जाएगा? नहीं, फिर से कैसे उसी जांच, 30 सदस्यीय कमेटी का जांच रिपोर्ट है, फिर से कैसे जांच होगा? उसी जांच पे कार्रवाई, मैंने आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला देर होगा, अंधेर नहीं होगा, हमारी भी कुछ लाचारी है, हम भी संपन्न परिवार के नहीं है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नया पद भी मनोनीत किया जा रहा है वहाँ पे, डायरेक्टर का पद होने जा रहा है। हम त्रिपाठी जी को बुलवाते हैं, कॉलेज गवर्नर को हम लिखेंगे कि ऐसे ऐसे धांधली के होने का प्रयास हो रहा है, आसार हम छोड़ेंगे थोड़े, हमारे नॉलेज में तो डाल दिए, तो हम त्रिपाठी जी से आग्रह करेंगे कि एक ड्राफ्ट बना करके हमको दें, चूंकि विपिन पाठक जी से कौन है दे, हम अभी तुरंत गवर्नर के यहाँ भेजेंगे जी, उस पर कार्रवाई करवाने के लिए कहेंगे, हमको हथियार देंगे तब ना हम लड़ेंगे। लेकिन कार्रवाई होता नहीं है, सही मायने में देखा जाए तो नगर परिषद को भी लेके जमीन घोटाला के मामले को लेकर कितना बार उजागर किया, उसको 9 लोगों पर FIR हुआ, हाईकोर्ट ने बेल दे दिया था, हम लोग क्या करें, एक आदमी उसमें जेल में गया, उसमें 9 आदमी नहीं है, उसमें 65 आदमी पर FIR होना है, पुराने वार्ड काउंसिलर लोग भी कुछ लोग हैं उनका नाम आया है, नौतन के CEO का नाम आया है, दूसरे के जमीन दूसरा लिख दिया, पैसा दूसरे को दे दिया, और NGO में जमीन का पैसा जमीन वालों को मिलना चाहिए तो NGO के खाता में चला गया, ये सब हम अपने औकात के अनुसार। एक आखिरी सवाल अब पूछेंगे विक्रम कौर जी आपसे, हाँ बोलिए, नगर परिषद चुनाव जो हुआ है अभी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी गई थी, सभी नेता जो भी चुनाव लड़ रहे थे बोले तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार, आपको क्या लगता है, काफी चूंकि आप जानकार हैं, कई चुनाव आपने देखा है, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया लेकिन शहर के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है क्या, कि दूसरा भ्रष्टाचारी आ गया? देखो ऊख चुराई और खाले खाले जाई, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है वो भ्रष्टाचार करने के लिए, अच्छा भ्रष्टाचार करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, तो दोनों बैल लड़ाकू है, एक चोर एक डाकू है। क्या बोलता है जो प्रशासक आया है, जहाँ से आया है लूट करके आया है, यहाँ वो भी लूटना चाहता है, ये लोग भी लूटना चाहते हैं, अब दोनों में कौन बीज पड़ता है देखो, यानी लुटेरों की बस्ती बन गई है, चारों तरफ लुटेरे लुटेरे बन गए। जैसे अभी एक योजना हमको तुमको बताए कि टेंडर में ही लोग बंगलिंग किया, हम तो फैक्स किया मुख्यमंत्री को, अति क्या बोलता है मेल मेल कर दिया, हाँ विभागीय सचिव को किए, तेजस्वी यादव को किए, हमारे नॉलेज में आएगा तो हम उठाएंगे, और देर होगा, अंधेर नहीं होगा। स्वास्थ्य का चूंकि अब बात बोले तेजस्वी का, तो हम एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि इसके पहले जब आप लोग आवाज उठाते थे तो ये भी कहा जाता है कि मंगल पांडे जी मिले हुए थे प्रजापति त्रिपाठी से, आज भी अच्छा प्रेसिडेंट वे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो मंगल पांडे नहीं है, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है, उनकी क्या मजबूरी है कि संज्ञान नहीं लेते मामले को? ये यूनिवर्सिटी से अटैच है, आयुर्वेदिक कॉलेज यूनिवर्सिटी से अटैच है, जिसका हेड होता है गवर्नर, स्वास्थ्य मंत्री नहीं होता है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा था कि मंगल पांडे ऐसे मिले हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मंगल, ये भी झूठ बात था, तो नहीं, नहीं, मंगल पांडे इसलिए मिले हुए थे कि त्रिपाठी के यहाँ आना जाना
संजय पांडे को अध्यक्ष बनवाना, तो अन्य तरीके से केस में पैर भी करते होंगे, ये कहना है आपका, स्वास्थ्य मंत्री का लाभ मतलब। अभी ऊपर सुने कि प्रेसिडेंट हो गए हैं, कि सेक्रेटरी हो गए हैं, अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज के। चलिए, तो ये विक्रम कुंवर जी हैं जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, और आपको बता दें कि 25 में चुनाव लड़ने की भी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि मेरी तैयारी के ही नतीजा है, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसी की वजह से मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, नाम बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी मामले में हमको 2 लाख का जो मामला है इसीलिए इसमें घसीटा जा रहा है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं FIR करूंगा प्रिंस उपाध्याय पे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है प्रिंस उपाध्याय को ये बताना पड़ेगा कि अगर उन्होंने पैसा दिया है तो हमको किस तरह से पैसा दिया है, कैसे पैसा दिया है, हमने किस तरह से उनसे पैसा लिया है, ये प्रिंस उपाध्याय को बताना पड़ेगा, और 2 दिन के अंदर ये प्रिंस उपाध्याय पे FIR भी करेंगे। अच्छा, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।